सत श्री अकाल जी सारयां नूं। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं शॉर्ट नोटिस ते तमाम साथी अपने अपने जरूरी जिवें छड के इत्थे पहुंचे हो। मैं तुहानूं सारयां नूं वेलकम करना, धन्नवाद करना। अज जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा मकसद हैगा, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इशूज हैगे पंजाब दे जिहड़े सरकार नाल संबंधित ने, और सरकार रोज़ रोज़ आपदियां तरीफां दे पुल बनदी है और दूजियां नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती जांदी है। सो उन्हां तमाम इशूज़ दे उत्ते असीं चाहुंदे हां कि पंजाब दी जनता नूं, पंजाब दे लोगां नूं थोड़े राही चानना पाया जाए की बदलाव दे रूप दे विच और जिस तरह का ढंग तरीके वरत के पंजाब दे लोगां नूं, पंजाब दी जनता नूं आम आदमी पार्टी द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है, वो सारियां चीज़ां असीं जनतक करिए, थोड़े सामने लेके आइए। इस करके अज असीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मैं साडे साथी CLP दे लीडर सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी नूं कहूँगा कि वो थोड़े नाल पहला कुछ जरूरी इशूज़ के उत्ते थोड़े नाल गल करनगे, उस तो बाद मैं अपनी गल रखांगा। बहुत बहुत मेहरबानी राजा जी, ते सारे ही मेरे सीनियर साथी फॉर्मर मिनिस्टर्स प्रेजेंट MLAs सारे एकत्रित ने, ते प्रेस के सारे साथियों मैं जी आया कहना, ते तुहाडा थैंक्स भी करना कि बहुत छोटे जे नोटिस ते तुसी अज शनिचरवार वाले दिन एकत्रित होए हो। मसले क्योंकि बहुत गंभीर ने, उहदे वास्ते तुहानू जानकारी देनी बहुत जरूरी सी। सो सारे नो पहला चंद दिनों दे विच असीं सारे ये फैसला कीता पार्टी वालों कि ऑनरेबल गवर्नर साहब को असीं वक्त मंग रहे हैं, जिदन भी वो देंगे टाइम। पहला मसला ये है कि जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी आप दी गवर्नमेंट दिल्ली विच लैके आई सी, ते उत्थों दे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, पहले चीफ सैकटरी ने उत्थों दे ने, उहदी रिकमेंडेशनस नूं अगे वधांदे होए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट नूं लिखिया कि बहुत वड्डा कपला आप दी सरकार ने मनीष सिसोदिया जी दी लीडरशिप दे थले, क्योंकि उत्थे महकमा जिहड़ा एक्साइज एंड टैक्सेशन दा वो सिसोदिया साहब कोल है, उन्होंने प्रूव किया कि जिनी पॉलिसी बनाई गई दिल्ली च उहदे विच जिहड़े बेनीफिशरी सन वो लोग सन जिन्हां कोलों इन्होंने कोई ना कोई एडवांटेज लिए। सो केस CBI को चला गया, CBI को केस चलते आप दी गवर्नमेंट ने वो पुरानी पॉलिसी जिहड़ी नवी पॉलिसी सी उन्हें विड्रॉ करसी ते फेरे चलन लग पे। सो उहदी जिहड़ी है इनक्वायरी CBI कर रही। असी अज ऑनरेबल गवर्नर पंजाब तो ये मंग कर रहे हैं, असी अपने वालों उन्होंने एक रिप्रजेंटेशन भी जल्दी देवांगे। मेरे को लिस्ट है उन्हां लोकां दी, 15 लोग मनीष सिसोदिया तो शुरू होंदे हुए चंद IS ऑफिसर, कुछ रिटायर्ड अफसर, कुछ जिहड़े इन्हां दी सारी मीडिया दी मैनेजमेंट करदे ने आप दी ओ, ते बहुत सारे वड्डे ठेकेदार, ते कुछ इहो जिहे आदमी उन्हां ने 15वें नंबर ते रखे ने जिहड़े उन्हां ने कहा कि अजे असीं उन्हां दे नां पाणे ने। उन्हां विच कुछ अफसर भी होणगे, उन्हां विच कुछ ठेकेदार भी हो। सो असी मंग कर रहे हैं कि सानू यह पता लग्या, तुहानू याद होएगा चंद दिन पहले कुछ प्रेस दे वीरां नूं मैं ये गल कही सी कि जिदन साडे कोल डिटेल आ गई असी उदों गवर्नर साहब को जावांगे। काफ़ी हद तक साडे कोल डिटेल आ चुकी है कि सेम प्लेयर्स, वेखो मैं तुहानू दसना चाहना, प्रेस ने भी बहुत दफ़ा रिपोर्ट किया कि सीनियर मोस्ट चीफ सैकटरी तो लैके फाइनेंस सैकटरी,
एक्साइज़ के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पंजाब विचों जाके मनीष सिसोदिया जी का कोल स्पेशल मीटिंग्स दिल्ली विच करदे। जदों इहदा वाह वेला असी क्रिएट किया, रौला रप्पा पाया, प्रेस भी इहदे विच शामिल हुई, उदों फिर नॉलेज शेयरिंग वाला फॉर्मूला लैके आता सो दैट ये सारे काम के उत्ते चादर पा लीती जाए। असी ये गल के असी इन्हां नूं पंजाब की बेहतरी वास्ते नॉलेज शेयरिंग ते टेलीफोन ते भी हो सकती है, आदेश जारी करो तां भी काम हो सकता है, बट वो नहीं। बेसिकली ये गल हुण साफ होई, ये सेम अफसर ने दिल्ली विच चंद पंजाब के जिहड़े अफसर ने एक्साइज नाल तुलक रखते हुए, ये सेम ठेकेदारां दी टीम अज पंजाब दे विच। असीं गुजारिश उन्हां नूं करन लगे हाँ कि सेम उन्हां ही ग्राउंड्स दे उत्ते जिहड़ा लैफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने लिख के कल्लिया ते CBI दी इनक्वायरी उत्ते शुरू होई है, पंजाब दी एक्साइज पॉलिसी ते भी CBI दी नाल नाल पैरलल इनक्वायरी दिल्ली दे नाल चलनी चाहीदी। ये एक साडी मंग वड्डी इस गवर्नमेंट दे अगेंस्ट है। जिहड़ी गल तुहानूं याद होएगा असीं कहिंदे रहे हां, इन्हां दी कोशिश होएगी कि मोटा माल दिल्ली च इकट्ठा करो, बाकियों नूं डरा के रखो। तुहानूं याद है ये गल इत्थे कही है, गल साबित हो रही है, होर भी तुहानूं आंदे दिन साबित करांगे। नंबर टू, इन्हां दे माइनिंग मिनिस्टर ने विधानसभा च गल कही सी कि मैं तुहानूं यकीन दवाना चाहना पंजाब दे विच कितने इलीगल माइनिंग जी चल रही। तुहानूं हैरानी होएगी ये कांग्रेस ने नहीं किया या किसी पोलीटिकल अपोजिंग जमात ने नहीं गल कही, ये एफिडेविट हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योर करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिहड़ा सारा इंटरनेशनल बॉर्डर साडा मैन करती है, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के प्रजेंट किया, जिहदे विच उन्होंने गल कही है कि साढ़े बिल्कुल बॉर्डर के करीब सारी सारी रात बरसातों के टाइम एक अनफॉर्चुनेट है, सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दीयां रूलिंग्स ने बरसातों के वे सारे हिंदुस्तान कदे भी माइनिंग नहीं हो सकती। इस टाइम BSF ने यह गल कही कि इस टाइम के माइनिंग चल रही है, हज़ारों की तादाद दे विच लेबर आ रही है, मशीन लगिया ने 40-40, 50-50, 60-60 फुट जिहड़ा उन्हूं डूंगा कर दिता गया सारी रात उत्थे मूवमेंट है बॉर्डर से। तो ईवन इत्थों तक उन्हें गल कही कि ड्रोनस आ रही ने, असी बिल्कुल सानू नहीं पता लगता कि जे एंट्री होंगी ड्रोनस की कित्थे हो नशा सुट सकदियां ने, कित्थे हो वैपन सुट के जा सकदियां। सो साडी सैकेंड डिमांड यही गवर्नर साहब को होएगी कि यह भी इनक्वायरी जिहड़ी है नैशनल इनवैसटीगेटिंग एजेंसी जिहड़ी, क्योंकि देश की बॉर्डर की गल है, देश की सुरक्षा की गल है, ये बहुत वड्डा लैप्स है। साडियां सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्नी इंपोर्टेंट गल कही है, इहदे विच देरी नहीं करनी चाहिए। दो केसिस दे विच, एक च एक्साइज एंड टैक्सेशन ते CBI ते माइनिंग दे उत्ते नैशनल इनवैसटीगेटिंग एजेंसी जिहड़ी है वह इत्थे आए ते इत्थे तफ्तीश करे कि किहड़े आदमी इहदे विच शामिल ने, एंड असी समझने इहदे विच माइनिंग वालियां दा गवर्नमेंट दा ते हो सकदा इंटरनैशनली बहुत वड्डे जिहड़े क्रिमिनल्स ने उहनां ते भी हत्थ है सारे काम च। सो ये दो चीज़ आए ने। तीसरी गल जिहड़ी मॉरल्स की गल रोज़ दे रोज़ केजरीवाल साहब कहिंदे ने कि साड़ी बड़ी एक कट्टर इमानदार जमात है, मैं उन्होंने अज इतों सवाल करना चाहना, केजरीवाल साहब ताडे हैल्थ मिनिस्टर नूं गिरफ्तार कीत्या नूं सतेंद्र जैन जी नूं अज तकरीबन 4 महीने हो चुके, करोड़ों रुपयां की राशि उन्हां तों ते उन्हां दे साथियों तों बरामद की गई, अज दे दिन तक भी तुसीं उन्हां नूं पार्टी चों तां की कढ़ना सी, तुसीं उन्हां नूं अपने मंत्रीमंडल चों भी नहीं कढ़िया। तुहानूं अपने लोग जिहड़े ने वो साफ सुथरे लगते ने, धोते लगते ने, ते बाकी सारे लोग जिहड़े ने वो तुहानूं करप्ट नज़र आते हैं। मैं यही एक सवाल अगला फर्दर चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत सिंह मान नूं करांगा, साहब भगवंत सिंह मान जी तुसीं समुचे पंजाब नूं ते असैंबली दे फ्लोर उत्ते ये गल कही सी कि मेरा हैल्थ मिनिस्टर जिहड़ा विजय सिंगला उहदी मेरे को ऑडियो है, मैनू रिपोर्ट की किसी ने, मैं उन्हूं अपने घर सद्या, उन्हूं ऑडियो सुनाई, उन्हें मेरी ऑडियो कबूली के मेरी आवाज़ है,
तो मैं उन्होंने अपने घरों ही विजिलेंस को गिरफ्तार करवाया। असी पूछना चाहते हैं, दो ढाई महीने तीन महीने विजय सिंगला जी जेल च भी रह चुके ने, सिंगला साहब कह रहे ने मेरे खिलाफ बहुत वड्डी साजिश है। मैं मुख्यमंत्री नूं पुछना चाहना, मुख्यमंत्री जी और इस गल दा पुछया गया कि तू दस उत्थे करन की गया सी, उहदी वाइफ बयान दे रही, वीडियो उत्थों आए ने, तुहानूं बगाने बंदे ही नज़र आते ने। बस मैं अगला सवाल करना चाहवांगा, वेखो तीन माजरे ने, यह तीन माजरे ने उलझा खड़ी है, ये आप जड़ी है, एक पठान माजरा, एक गजन माजरा, उन्हू ईडी लभदी फिरदी है, एक जोड़ा माजरा, वो जिस तरह कहते बुल इन चाइना शॉप। हुण साडियां भैणां नौजवान बच्चियां साडियां बैठियां ने, मैं गल वो कहना चाहता सी जिहड़ी मैं हुण मैनू मजबूरन रोकनी पै रही, बुल इन चाइना शॉप तुसीं समझ लो जां साण किसे क्राकरी दी दुकान छड्डिया। तो इस किस्म के बंदे जिहड़े ने तुसीं अपनियां सरकारां च रखे, तो विजिलेंस वालियां नूं भी वेखो मेरी एक चंगी तरह सुन लो, इस लिस्ट दे विच आ विजिलेंस वालियो मेरी गल सुन लो चंगी तरह, तुसीं हुण ते सर्विस जो ते कई ये हिसाब लाई रखदे ने कि उदों तक तो अहीं रिटायर हो जाणा, इहदे विच तीन ओह जे जिहड़े रिटायर होए हुण वापस आण लगे सी बी आई दे सिकंजे च, ते जे ज़्यादतियां करोगे ते ये बिल्कुल गलत फहमी दिमाग चों कढ दो कि तुहाडी वारी नहीं आएगी। जे किसी ने नजायज़ कीती विजिलेंस वालियो गल चंगी तरह सुन लो, फिर अपनी तैयारी भी पक्की रखियो, यह चंगी तरह समझ लो इस गल नूं। तो इस गल कारण मैं इन्ना ही कहिंदा होया, दोनों चीज़ों के असी गवर्नर साहब नूं जल्दी च मिलांगे, एक च सी बी आई ते दूजी दे विच जिहड़ी है एन आई ए दी, ते दोनों मंत्री भी तैयार रहन, इत्थों वाला एक्साइज वाला भी ते माइनिंग वाला भी, जो सिसोदिया नाल ते सतेंद्र जैन नाल होई है वारी तुहाडी भी आनी। तो इन्ना ही कहिंदा होया मैं हुण माइक अपने प्रधान राजा वड़िंग जी नूं दवांगा, वो अपनी गल हुण तुहाडे सामने रख। दोस्तो इहदे नाल नाल आम आदमी पार्टी जदों दी होंद विच आई है तकरीबन लगभग 5 महीने हो गए, और 5 महीनों की कारगुजारी लोगों नूं नज़र आई है, और अज पंजाब दा हर व्यक्ति परेशान है। तुसीं रोज़ाना देख रहे होंगे इन्होंने आ सारे माजरियां की गल की है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। बाजवा साहब अज मैं यूथ कांग्रेस का एक मुंडा मिलिया सीगा, सोशल मीडिया का काम करता है, वो कहता मैनू पट्टी तो पटियाले बुलाया जा रहा पुलिस द्वारा कि ये वीडियो तू शेयर क्यों की है। वह कहता मैनू तो अगों आई है कोई, मैं फैब्रिकेट नहीं की है वीडियो। सो मेरे कहन तो मतलब 5 महीनों की कारगुजारी मुकम्मल रूप दे विच सरकार फेल हो चुकी है। सो सरकार हुण की चाहती है कि किवें ना किवें सगूफे छड के कहानी बना के एक नौटंकी जिवें सीरियल बनाया जाता, पहला तो इन्होंने आपका मंत्री बन के एक ऐसी सीरियल बनाया, जिहड़े लोग सत्ता सरकार पाउण वास्ते कि हिमाचल दे अंदर साडी सरकार आ जाए, साडी गुजरात दे अंदर किवें ना किवें असी परफॉर्म कर जाइए, तो असी किसी नूं टंगणा पैंदा है। इन्होंने कहा भी कढ दिंदे फिर पार्टी तो बाद रिकॉर्डिंग जिहड़ी उह वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सी उह पेश कर दे। हालांकि मैं तुहानूं इह वी दस दिआं इन्हां दे वकील ने ऑफ द रिकॉर्ड उत्थे तमाम वकील साहिबान साहब खड़े सन, उन्होंने कहा कि इहदी जमानत कर दित्ती जावे सरकारी वकील ने, और जज साहब ने पूछा उन्होंने नाल यह कहा गया कि इन्हूं ऑन रिकॉर्ड ना रखा जाए, लेकिन ये खिलाफ कुछ नहीं है, तुसी इहदी जमानत कर सकते हो। ये सारे फ्रंट पर जो फेल हुए इन्होंने आपका मिनिस्टर टंगया, हुण 5 महीनों ना बिजली दे ना महला क्लीनिक रोजाना जो करतूतों जो कार्रवाइया जो 1000 रुपया क्या सी, हर फ्रंट पर फेल होगी सरकार। तो जो हर फ्रंट पर फेल हो गई, पंजाब के लोग सवाल करते हैं, पंजाब के लोग जवाब मांगते हैं कि तुसी बदलाव के रूप के 92 सीटा थोनू असी दी हैं, जेडे तुसी साडे नाल वादे किए सी वो कित्थे है। उन्हां दा ध्यान आसे पासे करन डाइवर्ट करना चाहते ने, तो किवें ना किवें आपका टाइम टपाउणा चाहते ने। पहला इन्होंने साडे 3-4 लोगों की कार्रवाई की, कदे फलां मिनिस्टर फड़ लिया,
मैं थोड़ा ये भी दसना चाहना, हालांकि कांग्रेस पार्टी इस गल नूं तरजीह नहीं दिंदी, असी कहने कि जे साडा व्यक्ति कोई गलत है तो उहदे ते कार्रवाई होएगी, वो कार्रवाई होए तौर तरीके नाल होवे, ते जिन्ना चिर अदालत उहनूं गुनहगार नहीं कह दिंदी असी उहनूं गुनहगार नहीं मानदे, लेकिन असी चुपचाप शांतमई तरीके नाल देखदे रहे कि करदे की है। अज साधु सिंह जी की गल आ दी है, उन्हों का केट को केस लग्या, कोर्ट च केस लग्या जी, परसों मेरे ख्याल दो चार दिन हो सकता है पूरी सुनवाई है जमानत की, किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई, 3,000 रुपए की रिकवरी, तो 2 साधु सिंह जी को घर है, 4 बार जोड़ा बंदा MLA रह चुके और मंत्री बनया, एक पुराना घर, एक सरकार ने जोड़ा सरकारी घर बना के दिता, आ जोड़े फ्लैट बना के दते, हो होर किसी प्रकार की कोई जी जायदाद है वह प्रूव नहीं कर सकी विजिलेंस, केवल डिस्कलोजर की फलां बंदे ने कहता। हुण विजिलेंस की कर रही है, सरदार चमकौर सिंह उन्हों का PA है, उहदा चलान नहीं पेश किया, उहदी जमानत हो गई, उन्हों प्रेशराइज कर रही है कि जमानत जज साहब ना लै लैन, तू किते ना किते डिस्कलोजर, तू अक्यूज बन जा, जे तैनू सरकारी गवाह रख लेने अप्रूवल। फिर की किया, गिलजिया साहब नू कर लिया, गिलजिया साहब नू स्टे मिल गया, क्या जा रहा सी 80,000 ट्री गार्ड दा कपला, फिर कोर्ट च विजिलेंस खुद आ गई कि कहिंदी 80 नहीं 8,000 रुपए। जदों गिलजिया साहब नू रेस्टे मिल गया, क्या गया कि डायरी तैयार है, डायरी दे बारे भी चानण पाएगी आने वाले समय च, असी भी डायरी किवें तैयार हुई ते किने तैयार कीती। गुनेगार व्यक्ति जिहड़ा उह डायरी तैयार कर रहा है, गुनेगार व्यक्ति की डायरी तैयार कीती होए ते साडे लोगां नू पसाया जा रहा है। जदों उहनां दी रेस्टे हुई, खुद जिहड़ा साडे नाल खुद जल के गया विजिलेंस ऑफिस, उहनां दा भतीजा मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा जी दे नाल, ते कोर्ट दे विच दिन ब दिन वह कार्रवाई वेख रहा सी, उहनां ने आख्या भी इहनां दे भतीजे नूं फड़ लिया, दलजीत सिंह गिलजिया नूं फड़ लिया गया, चाचा रेस्टे ते भतीजे नूं फड़ लिया, जानबूझ के गए पैरवाई करता किवें ना किवें जाइए। फिर एक आशू वांगड़ साडा कंटेस्टेड कैंडीडेट जिहड़ा पार्टी इहनां दी आम आदमी पार्टी दी विचों टिकट छड़ के आया सी, जिदे इन्हों के मंत्री बने जो इल्जाम लाए थे, उन्होंने 420/68/71 का परचा देता, असी रात को उत्थे गए कि परचा कहिंदे राह जांदे एक बंदे ने, FIR पढ़ो, राह जांदे बंदे ने इतलाह दी कि फलाने हस्पताल दे विच गलत जिहड़े सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। असी वकीलों नूं पुछिया वी उह कहिंदे भावें किस बनाए भी जाते हुण जदों कंप्लेनेंट नहीं है, शिकायतकर्ता नहीं है, जिन्हों नुकसान नहीं होया, जिन्हों नुकसान नहीं हो, फिर 420/68/471 किदां ला दित्ती गई। तो आशू बांगड़ दी उत्थे ही सैशन कोर्ट ने जमानत ली, उह बाहर आया, अज एक नवा काम, क्योंकि इन्हां नूं तां कोई आइटम चाहिए है कोई ना कोई, जदों आह कोई माजरे अर्गे की वीडियो आ जाती है, एक साढ़े बंदे नूं ये फड़ लैंदे, गल चला देंदे अखबारां च क्योंकि डाइवर्ट करते हैं प्रोग्राम। जदों CBI दी कोल उत्थे रेड पै गई, उन्होंने तो कहता कट्टर, कट्टर इमानदार डिक्शनरी कोई शब्द हैगा, इन्हों का फड़िया जाए तो कट्टर है, साडा फड़िया जाए तो चोर है। इन्ह के बंदे को सियोने के बिस्कुट मिल गए, 2 करोड़ रुपया मिल गया, साढ़े बंदे तो 3,000 रुपया मिले, उन्होंने कहते चोर है। CBI इनक्वायरी, इन्होंने आपकी इनक्वायरी जी एक्साइज वाली गवर्नर ने जो दी उन्होंने वापस ले ली, रेवेन्यू लॉसिज हो गए, ये कहते साडे नाल ये पहले ही कह देंगे टिप्पणी कि अब हमारे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, वो कट्टर ईमानदार है, थोड़े वाला कट्टर ते साडे वाला चोर। हुण आ जाओ भारत भूषण आशू जी की गल, जिहड़े साडे वर्किंग प्रेजिडेंट ने, रोजाना खबर लग रही है और कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का कपला। मैं थानू बेनती करदा है कृपा करके तुसी लोग पुछो डिपार्टमेंट नू, विजिलेंस नू, कि भाई सानू गना की करोड़ों रुपए का कपला किवें है, जो उन्होंने कहता वो छापता। दोस्तों ट्रकां दे जिहड़े कहिंदे मोटरसाइकिल का नंबर, हो सकता है मोटरसाइकिल का नंबर होवे, हो सकता है किसी स्कूटर का नंबर होवे, पर मैं थानू पुछना चाहना है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर का काम है, कैबिनेट मिनिस्टर का काम है पॉलिसी बनाना, कैबिनेट जो पॉलिसी अप्रूव होंगी है हाई कोर्ट से चैलेंज होंगी है, फिर अप्रूव होंगी है, फिर थले लागू हो जाती है, टेंडर होंगे ने,
टेंडर दे विच किते जेड़ा मिनिस्टर है डीसी दे अंडर चार साल टेंडर होंदे रहे, डीसी दे नाल एक कमेटी बनती है, वक्ख वक्ख एजेंसियां दे डीएम बहिंदे है, डीएफएससी बहिंदा है, ते तय करदे खोलदे टेंडर, जेड़ा लोएस्ट आउंदा उहनूं दे दिंदे टेंडर। कागज पत्र चैक करना की मंत्री का कम है? मन लो किसी ने मोटरसाइकिल दे नंबर वो ठेकेदार ने दिते हो, उन्हां दा काम सीगा, माल गया कहिंदे करोड़ां दा घट है। ये मंडियां च प्रक्योरमेंट करते हैं, जिहड़ा माल झोना आउंदा है वो प्रक्योर होया, ठेकेदार ने उत्थों छेती लिफ्टिंग, सरकार ये चाहती है कि जल्दी जल्दी चक्या जाए, किसान परेशान ना हो। स्कूटर ते दा माल नहीं जा सकता कि गया माल तुसी दस दिओ, मोटरसाइकिल ते माल जा सकदा तो तुसी दस दिओ, कार ते अगर माल जा सकदा तो तुसी दस दिओ, गया तां ट्रैक्टर ते जां ट्रक ते, ओ माल गया शैलर च, शैलर च उत्थे माल शैलिंग होया, सरकार दा माल एग्रीमेंट करके उह शैलर च ला दिंदे, किसी भी प्राइवेट शैलर च। प्राइवेट शैलर की करदा, तिना महीने च उहदी शैलिंग करदा है ते स्पेसिफिकेशन दे मुताबक यानी कि क्वांटल दे 60 किलो चावल दिंदा है हर प्राइवेट शैलर वाला, उन्हें शैलिंग पैसे दिते जाते हैं, और सारा माल एक एक बोरी मंडी चो शैलर च गई, तो शैलर चो इन्होंने उन्होंने फिर पेमेंट कर दिया ठेकेदार को भी तू इन बोरियां ढोतियां, वो गेट पास देंगे, फिर उसकी शैलिंग होकर एफ सी आई के गडाउन च जाता चावल, तो पंजाब सरकार को उसकी पेमेंट मिलती है। यानी कि एक्सचैकर यानी कि सरकार एक रुपए का नुकसान मोटरसाइकिल के नंबर नाल ते कार के नंबर नाल जां किसे गल नाल, मैनू नहीं लगता कि एक रुपए का सरकार नूं नुकसान होया वे, जिहड़ा ये बना रहा कि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान, 2500 करोड़ रुपए का नुकसान। पर हाँ, जे किसी ने कोई स्कूटर का नंबर लाया जां गेट पास कट्टिया, गेट पास मंडी च कट्टिया जांदा है, जो ट्रैक्टर लद्दिया जाता है उदों गेट पास लद्दिया दिंदे है, तो गेट पास कौन करता है? इंस्पैक्टर, जिहड़ा छोटा अधिकारी उस मंडी का इंचार्ज हुंदा है। उस वेले की हुंदा है, एक इंस्पैक्टर कोले 8-8 मंडियां हुंदियां, वो इंस्पैक्टर नूं जां उन्हां नूं पुछा जा सकता है भी भाई ये स्कूटर का नंबर क्यों है। और इस तरह के मतलब के केसिस स्कूटर नंबर के ऑलरेडी हाई कोर्ट के विच कई केसिस याद होना है। एक बार सुनील कुमार जाखड़ स्कूटर दे चढ़ के आया सी विधानसभा, इस तरह के कई केसिस जोड़े है वो पहला भी हाई कोर्ट चलते हैं। ये सरकार नू किसे प्रकार का कोई एक रुपए का घाटा नहीं, पर ये मिनिस्टर की कितने कोई जिम्मेदारी नहीं मानती। हुण तुसी मिनिस्टर जिहड़ा चंडीगढ़ च बैठा पॉलिसी बनाउंदा है, वो पंजाब दियां किन्नियां सवां मंडियां उन्हां च जाके की गेट पास कट्टे? मैं थोनू कह देंगा भी फलां बंदे दी भाई फोटो ला भी ये बंदा करप्ट है, ये चोर है, डाकू है, ये तो तुसी वेखना है कि ये लाउणी है कि नहीं लाउणी, सच्ची खबर है तो लाओ। सो मेरे कहन दा मतलब यह है, ये भारत भूषण जी का आशू जी का कम नहीं, FIR जिहड़ी उहदे च लिखिया कि जिहड़ी पॉलिसी है उस ठीक बनी और कैबिनेट तो अप्रूव होई, और इस कोई कताई नहीं है। लेकिन ठेकेदार ने आशू जी दे पीए का नाम लेता, हूँ ठेकेदार दे रात में कपड़े लाएगी विजिलेंस तो ठेकेदार की कहेगा, रात में करंट लाएगी जे विजिलेंस ठेकेदार की कहेगा, ठेकेदार तो किसी का भी नंबर बुला लो। और जिस तरह ने केसेस भी वो पीए नो, हूँ पीए आपका आसे पासे हो गया, जिहड़ा भी पीए सीगा है कि नहीं है मैनू इस गल का पता नहीं, हुण सुनिया कि पीए दे मां प्यो नूं परेशान कर रहे हैं कि जल्दी मुड़ के PF आ जाऊगा तो पीए दे करंट लावांगे, तो फिर पीए नूं कहांगे भी तू कह हुण भी असीं आशू जी नूं करदे हां, आपदी जान छुड़ाउण पिछे जिहड़ा विजिलेंस दे अंदर करंट रात नूं लाया जांदा है वो की कहेगा। पर असीं इस गल तों बार बार असीं काफ़ी देर दे वेट करदे सोचदे विचारदे, विधानसभा दे विच बेइज्जत करता कीता जांदा है, खड़े होके कहा जाता है फलां सरकार पिछली सरकार थोड़ा भी खोल लेने, कोई कहता तेरा भी खोल लेने, जीरा खोलना खोल लो की खोलना है, इस गल का कोई फर्क नहीं है। भारत भूषण आशू जी ने रोज फलाने मिनिस्टर की खबर ला दी, अज फलाने मिनिस्टर की, एरे पिछे एक ही तत्थ है, एरे पिछे है कि सानू जानबूझ के बदनाम करना,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਝੇਪ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੇਪ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਉਸ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ CBI ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਜੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਾਇਤਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਹਰਨ ਵਿੰਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨਕਾਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵ ਆ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀ ਫੜ ਲਓ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਗੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੋਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲਿਆ ਚਿੰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਤਾ ਖਾਮ ਖਾ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਵੀ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਚੂ ਹੈ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਭੱਜ ਗਏ ਭਾਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਆ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ
ते फिर उदा ही चलांगे, जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे, टिकटां दो लेनी फिर ना सोईए ते ना सौन दईए, फिर काम खराब हो जाना। सो जिथों तक आशू जी का सवाल है, साड़ी पार्टी के वर्किंग प्रधान है, असी ये फैसला किया है तमाम लीडरशिप ने कि असी सोमवार को ठीक 11 बजे, कल एतवार है नहीं, कल ही चले जाते। मेरी बेनती है तमाम विजिलेंस के ऑफिसर साहबानों कि आपके दफ्तर च रहो, असी आवांगे सारे लीडर, सारे पंजाब के लीडर साहबान कांग्रेस के, और जिहड़ा व्यक्ति थोनू लोड़ींदा है और इस भारत भूषण आशू जी भी साढ़े नाल जाणगे, जिहड़ा व्यक्ति थोनू लोड़ींदा है कृपा करके कागज़ उत्थे ही सानू रख लियो भी आ लोड़ींदे है, ते रोज़ आ कमना करो भी असी फड़न चले हाँ। पीए फड़ लिया, पीए नू कदों फड़ना है, कानू फड़ना ऑफिशियल्स नू, जिथे थोड़ा दिल करदा थोनू ये लगता भी इहनू फड़ना है, उहनू फड़ो, कानू बेचारे दे पीआं दे निक्के निक्के जवाक है यार, साडे जिहड़े कम आए हैं बेचारे, अज DFSC किसी ने मेरे थोड़े नाल भी गिला है, फूड एंड सिविल सप्लाई के महकमे ने लोगों ने हड़ताल से, वो बेचारे लोग जिन्हों का कोई गुना नहीं है, केवल आशू फसाने के करके उन्होंने फसाया जा रहा, माड़ा मोटा गल की जा रही, वो किसी ने खबर नहीं चली। सो मेरी बेनती है थोड़े राही ठीक 11 बजे तुम भी हाजिर रहो, जो परसों मंडे आदियां हथकड़ियां कायम रखन, बसा लैके आन, ते रात नू एक दिन संडे हैगा, वैसे तो थोड़ी आदत ही है, परचा पहला करके रखते है, फिर फड़दे है, कहणगे फड़ लिया, परचे रात नू कर लो, सोमवार आवांगे, ते जेड़ा थोनू लोड़ीदा होया तुसी हथ कड़ी ला के सानू जिथे छड़ के आना, बैटरियां भी वध लियाओ। भगत सिंह अराने तसीहे चले है यार, फांसी के फंदे ते चढ़ के असी मरना तो है ही, तो जिहड़ा सानू मार दूगा फिर वह जाऊ कित्थे, जी बैटरियां भी वध लियाओ, जेडे करंट करुंट साडे लाउणे आ ला लो। सो थोड़े राही बेनती करनी चाहुंदा है कि ये काम बंद कर देन, बहुत ही चंगी गल है, पंजाब का नुकसान हो जाएगा, पंजाब के लोगों का ये काम करन, वादे पूरे करन, असी शाबाश कहिए, ये 1000 रुपया लोगों को देन, ये महला क्लीनिक च डॉक्टर प्रोवाइड कर, बिजली के बिल रिड्यूस कर, फ्लड आए हुए है लोगों को राहत देन, पशुओं की बीमारी फैल गई है उत्थे राहत देन, किसान भरा तुरिया फिरदा मूंगी चक्की नहीं किसी ने, ये चंडीगढ़ पंजाब नू लैके आउण दी गल करन, सानू नाल लैके चलन, इस गल च ना पाओ कशमा कश भी असी इधर नू तुरे फिरिए तुसी इधर नू तुरे फिरिए, ते जिहड़े खुद घर शीशे दे हुंदे आ उह दूजियां दे पत्थर नहीं मारदे। सो मेरी बेनती है कि असी 11 बजे परसों सारे साथी कांग्रेस पार्टी दे असी विजिलेंस ऑफिस जावांगे, और ये तमाम गल्लां दे बारे थानू अज चानण पाउण वास्ते थानू सद्या सी, और उस तो बाद फिर असी सोमवार नू जिहड़ी अगली होएगा कदम CLP साहब जो और तमाम कांग्रेस के साथी जिहड़े इत्थे सीनियर आगू साहबान बैठे ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बैठे ने, मंत्री साहब का मंत्री बैठे ने, सबका MLA साहबान चेयरमैन साहब बैठे ने, अगला जिहड़ी कार्रवाई होगी और राय करके थानू फिर असी समय तिर दस दी जाऊगी। धन्यवाद। यार गल एक गल च खत्म होगी, वो जेड़ी मर्जी जेल दी, ट्रांसपोर्ट दी, एजुकेशन दी, स्पोर्ट्स दी, हेल्थ दी, असी तो गल ही मखाती, रिपोर्ट कहनू पेश करनी है, 2 दिन पे असी सोमवार 11 बजे जाना है, जेड़े हथकड़ियां उन्नियां रखन ठा ठा उत्थे उड़ा के तो सारे अंदर देने, किन्ना पेट्रोल लगेगा, किन्ना कैसा पुलिस फिर खर्चा पाऊगी, असी फलाना थां फड़िया फलाना पाया, पैसे भी बचाने हैं खजाने च, पैसा भी है नहीं, जिन्हू फड़ना है वो असी तैयार है, माइनिंग इतने बैठा, स्पोर्ट्स वाला इतने बैठा, जेल मंत्री बैठा, ट्रांसपोर्ट बैठा है, हेल्थ बैठा है, लोकल बॉडीज बैठे है, राणा जी बैठे है, सारे तैयार है, ये जवाब थोड़े का जसवा, नॉट ओनली गिरफ्तारियां, असी बिल्कुल असी कदों गिरफ्तारी दी है, असी भी ना ना ये रोजाना खबर क्यों लाने, रोजाना कहें फलाना भज गया, तुम चलाने हो, तुम कहने फलाना दौड़ गया, असी ये कह जा रहे हैं असी बिल्कुल गुनहगार नहीं हाँ, असी किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया,
लेकिन असी पंजाब के लोगों को यह दसना चाहते हैं और इन्होंने सरकार को दसना चाहते हैं बिल्कुल थोड़ी गल तो डरते नहीं है। तुम कहने भज गए भजा गए रात को 3 बजे साधु सिंह फड़ लिया, साधु सिंह सुता पिया सी, असी हुण रात को आपके घर सुते पे, तुम क्यों फड़ लिया, फड़दे क्यों, असी आप आवांगे थोनू, जे थोनू लोड़ है साड़ी असी आप आवांगे बिल्कुल, जिन्हें भी लोड़ है। हजे तक साडा कोई व्यक्ति नॉमीनेटेड नहीं है लेकिन पूरी कांग्रेस जाएगी। सीबीआई छोटे वीर एक्साइज वास्ते लिया, हुण विजिलेंस पंजाब दी गवर्नमेंट तुहाडी रल के ठेकेदारां नाल ये काम उन्नी की दा करे, ये विजिलेंस वाले किनू फड़नगे जी, दिल्ली वाले, दिल्ली की सेंट्रल एजेंसी आएगी ते नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों आ रही है, फतवा दिता वो फतवा काका जे उन्होंने खिलाफ कोई काम कर रहे ने बी एस एफ बी साढ़े को गल सुनो सर सिमरनजीत सिंह मान वर्गा मैं एफ बी आई तो दस नहीं सकता कि एफ बी आई ले आओ जी एजेंसी है हूँ वो कोई करानी है, हिंदुस्तान को दो तीन ही है ने, या सी बी आई है एन आई है या ई डी है, आ दो जड़िया ने असं यही बेनती है एफ बी आई की तो मैं कह नहीं सकता। सैकेंड सैकेंड प्रताप सिंह बाजवा की गल अगे वधाउंदे भाई साहब जो सी बी आई आँदी है उदो तुसीं कहने हैं कि असी कट्टर ईमानदार है साढ़े नाल वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, इतने विजिलेंस हो रही है तुम कहने कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, उत्थे थोड़े दोहरे मापदंड है, तुम कहने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जे असी कहने गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तुम कहने कि नहीं मैंडेट दिता है, एजेंसी कोई भी है गलत इस्तेमाल करना से नहीं बनिया, चाहे वह सी बी आई है चाहे वह ई डी है चाहे चाहे विजिलेंस है, वह कठपुतली की तरह नहीं नचनिया चाहिए, अगर गुना है तो विजिलेंस भी आपका कम करे सी बी आई भी करे ई डी भी करे।